दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, तो चार ऑप्शन दिए हैं। तो जो पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, तो वो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है बच्चों, तो ये वेलोसिटी होती है इस तरह से, टेंजेंशियल ट्रांसवर्सल जिसको बोलते हैं। और जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। एक तो बच्चों रेडियल एक्सीलरेशन होता है, जो कि जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये जो रेडियल एक्सीलरेशन क्यों आता है, तो जो आपकी वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के सॉरी डायरेक्शन के चेंज के कारण जो एक्सीलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका जो वेलोसिटी होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और उस मैग्नीट्यूड चेंज के कारण जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो कैसी है, ट्रांसवर्स है, और जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, रेडियल भी है और ट्रांसवर्स भी है। तो ऑप्शन डी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।